नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रत्युष सुपकर और हम आपको आज बताने वाले हैं एक ऐसा ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड जो कि आप घर में बना सकते हैं नीम के पत्ते को यूज करके, और जो कि आपका हर प्रकार का इंसेक्ट को मारने में आपको हेल्प करेगा। जब हम इसको क्रॉप में वेजिटेबल में यूज करेंगे तो ये सारे कीड़े जो इंसेक्ट है कीड़े है सबको मार देगा। पहले तो इसमें क्या है कि ये हम यूज करते हैं, ये ऑर्गेनिक है, कोई भी केमिकल इसमें यूज नहीं हो रहा है, तो ये आपका प्लांट ग्रोथ को भी कोई इफेक्ट नहीं करेगा, प्लांट ग्रोथ भी अपने हिसाब से चलता रहेगा। बस आपको इसको 3 दिन के इंटरवल में रेगुलरली स्प्रे करना पड़ेगा, क्योंकि अगर जब तक स्प्रे करें जब तक कि आपका इंसेक्ट पूरी तरह से प्लांट से खत्म ना हुई हो। तो अब देखते हैं उसको बनाने का तरीका क्या है, कैसे बनाते हैं इसको। तो पहले तो ये है कि आप ग्रीन लीव्स लाएंगे, एक नीम के पेड़ से ग्रीन लीव्स लाएंगे, जैसे कि ग्रीन लीव्स मतलब जो कि पूरा ग्रीन कलर हो, उसका सूखी टहनियां नहीं लेनी है, सूखी पत्ते नहीं लेनी है। सूखी टहनियां में क्या होता है कि मॉइस्चर नहीं होता है, जो कि मॉइस्चर नहीं होता है तो उसमें जो इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी है वो आप अगर पानी में उसको गर्म करेंगे तो पानी में उसका इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर नहीं हो सकता है। तो पहले तो नीम के पत्ते लिए, उसको अच्छे से पानी से साफ किए ताकि जो धूल वगैरह लगा है, डस्ट वगैरह लगा है, वो सब साफ हो गया। अब हम इसको गर्म करेंगे, गर्म पानी में उसको हम नीम के पत्ते को डालेंगे, उबालेंगे पानी, गर्म नीम को उबालेंगे पत्ते को। तो एक बकेट में हो या किसी भी चीज में आप गर्म पानी लेना है, उबलता हुआ पानी लेना है, उसमें नीम का पत्ते को डालना है और उसको उबलने देना है 15-20 मिनट तक। आपको ठीक से उबालना है, अच्छे टेम्परेचर में उसको उबालना है। फिर आपको इसको 24 आवर 24 घंटे के लिए आप उसको ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि जो मॉइस्चर है, जो लीफ का एक्सट्रैक्ट है, वो निकल जाए पानी के साथ, अच्छे से घुल मिल जाए। जब एक बार 24 घंटे के लिए छोड़ देंगे तब आप देखेंगे येलो इस ग्रीन कलर का एक सॉल्यूशन बन जाएगा पानी के साथ, मतलब पानी जो आपका ग्रीन येलो कलर का हो जाएगा, तब आपको पता चल जाएगा कि इसमें जो नीम का सारा कुछ एक्सट्रैक्ट इसमें मिल चुका है पानी में, उसके इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज में आ चुका है। तब हम इसको स्प्रे बोतल में यूज करेंगे। तो पहले स्प्रे बोतल में यूज करने से पहले इसको अच्छे से छान लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रैक्ट नीम का पत्ते पुत्ती जो रह गया वो अच्छे से साफ हो जाए। उसको छानने के बाद कोई भी सी मशीन से आप इसको छान सकते हैं। तो फिर उसको छानने के बाद आपको स्प्रे बोतल में इसको भर देना है और स्प्रे करना है। स्प्रे करने का तरीका भी बहुत ईजी है। ऐसे स्प्रे बोतल होती है उसको आप ऐसे स्प्रे करेंगे, क्योंकि आपको देखा होगा ऐसे नीम के पत्ते मतलब जो भी आपका वेजिटेबल है, क्रॉप्स है, उसके पत्ते के नीचे भी कीड़े लगे होते हैं, ऊपर भी लगे होते हैं। जैसे कि टमाटर में आपका ग्रीन कलर का कीड़े लगे होते हैं, पोटैटो में व्हाइट कलर का भी कीड़े लगे होते हैं, बैंगन में भी लगे होते हैं कीड़े। ये सब आप जब हम इसको स्प्रे करेंगे तो धीरे धीरे क्या होता है वो आपका कीड़ा जो है मरना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इसको 3 दिन के इंटरवल में स्प्रे करेंगे जब तक कि पूरी प्लांट से पूरी कीड़े मर ना जाए। तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है प्लांट ग्रोथ में। बनाने का तरीका भी ईजी है, आप आराम से इसको घर में बना सकते हैं। कोई भी मुझे लग रहा है कि आपको इसके बारे में अच्छे से पता चल गया होगा कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, उसको क्या मिलता है, एडवांटेज क्या होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा।